चार भालू और तीन गेकड़ है, तीन शेर। शेर। अरे भाई भाई भाई। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की डेट है 9 मई और तो अभी टाइम हो रहा है 4 PM। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जो कि बहुत पुरानी है, 1000 साल पुरानी जगह है और जिसे चांग की धुनी कहा जाता है। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, तो उधर जाके मैं आपको और बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ चांग की धुनी पे और अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। वो पीछे की साइड पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे है। अब मुझे नहीं पता यार क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि यार बहुत धूप भी है तो उस हिसाब से कैमरा क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो अभी मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ कैसा है चांग की धुनी। तो अभी फ्रेंड्स मेरे साथ है दो नमूने, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाते। तो ये सचिन और मेरा भाई प्रदीप। तो फ्रेंड मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ का बिल्कुल भी रास्ता नहीं पता है, अब ढूंढना पड़ेगा। मेरे को रास्ता याद नहीं है और इन लोगों को भी याद नहीं है, दोनों को दोनों कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर आ रहे कि कहीं ना कहीं तो घुसना ही है। यार बहुत टाइम बाद आया हूँ और सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है, एक क्लू भी नहीं मिल रहा है जिससे मैं अंदर घुस जाऊँ, और कोई ऐसा साथ में भी नहीं जिसको रास्ता याद हो चांग की धुनी का। तो यार पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे, मेरे को तो चक्कर आ रहा है इधर। अरे ये रहा ना यार, देख सीधा साधा रास्ता बना हुआ इधर। देखो फ्रेंड, फाइनली एक रोड मिली है जहाँ बिल्कुल फ्लैट है, तो इसका मतलब इधर से ही घुसना है। तो अभी चलते हैं। इनको देखो यार, एक वो उधर से आ रहा है कांटों में से, एक पीछे से आ रहा है ये अलग, और कुली। तो ये रास्ता फाइनली मिल गया है, देख सकते हो आप यार पहाड़ की चट्टानी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब बस इधर से ऊपर चलेंगे और हर चीज़ इंजॉय करेंगे। अभी देखो यार टाइम भी बहुत कम है, बहुत जल्दी स्पीड में ऊपर जाना है। क्या हुआ? देखो देखो वो क्या बोल रहा, सांप का घर है उधर। तो फ्रेंड्स आधे रास्ते पे आ गया, रास्ता इधर जा रहा है, बट आए हम अभी यहाँ से, तो अभी चढ़ेंगे ऊपर फोटो के लिए। थोड़ा बहुत दिखाता हूँ ऊपर चल के। Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? कैसा लगा यार कमेंट में जरूर बताना। और ये पिछले ये फिसल रहा है अभी भी, ऊपर चढ़ नहीं पा। अभी गिरता भाई ये। तो भाई जो भी यहाँ पे आना चाहता भाई संभाल के जूते रंग के पहन के आना, क्योंकि फिसलन बहुत है। देख सकते हो यार पैर भी दूज रहे मेरे। व्यू देखो चांग की धुनी है ये, अभी तो ऊपर जाना बाकी है, बहुत टाइम बाकी है। तो अभी आगे नहीं जाना, मेरे को आगे बहुत दिखाता हूँ। ये देखो यार पूरी ढलान बनी हुई है, आगे नहीं जा सकता क्योंकि यार आगे पैर फिसला तो नीचे जाएंगे, तो इसलिए भाई यहाँ तक सही अपन सीमित। तो नीचे बढ़ जा यार, हाँ नीचे बढ़ जा। इधर तो देख एक बार, अरे ऊपर तो देख इसकी पटरी है। इसलिए पटरी है तेरे, देख ये पाँव ऐसा डगमग डगमग कर रहा है। अरे वाह सचिन, तेरे पैर। आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ जो भी आना चाहे या जो ब्यावर का हो, जितने चांग की तुमने नहीं घूमी और आना चाहे तो फ्रेंड ध्यान से आना। व्यू देखो यार, व्यू के आनंद लो, वो पूरा ब्यावर सिटी है वहाँ पे। कुछ बोले मत, यहाँ बैठे रहो चुपचाप। वो डूंगरी माता दिख रही है कोने कोने में, देखो जूम करता हूँ। वो रही, वो देखो वो रही डूंगरी माता। मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बता दिया था कि ऐसी नेचुरल जगहों में आना मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं और व्लॉग भी बहुत अच्छा बनता है। तो जा रहे हैं पीछे की साइड, धुनी भी दिखानी है, टाइम भी बहुत कम, तो भी चलते हैं। तो ऊपर का क्या था, शेर आता? चलो ठीक है देखता, शेर आता है यहाँ पे। नीचे तो बना लिया, अपने शक्ल की बना। भालू आया हुआ है? चार भालू और तीन गेकड़ है। तीन शेर, कौन सा लायन या टाइगर? टाइगर। चलो ठीक है देखते हैं यार, बहुत लोग बोल रहे हैं शेर भी आते हैं यहाँ पे। मैं नहीं चाहता भाई।
ठीक है अंकल, हम देख लेंगे एक ना एक दिन सबको मरना है ऐसे। ठीक है चलो ठीक है हार्ड के रखने वाली न्यूज़ है भाई। फ्रेंड्स यार ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता हुआ तो भी जल्दी करूँगा क्योंकि ऊपर चांद की तो नहीं दिखा के फिर नीचे आऊँगा क्योंकि यार सीरियसली बता रहा हूँ थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि यार उन लोगों ने बोला कि ऊपर अब शेर आएगा तो भाई पानी पी के चला जाएगा। ऊपर कमरा बना हुआ है कमरे में बैठ के देखना तो यार हल्का फुल्का तो डर रहता है। तो रास्ता है वहाँ से जाएंगे और अभी पद्दू चढ़ रहा है सचिन भी आ रहा है चढ़ते हैं यार ऊपर। देखो यार मुझे नहीं पता ऊपर शेर दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिख गया तो कैप्चर जरूर करूँगा और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जो करना कर लो यार। देखो यार लास्ट वीडियो हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर दिया है सीधा जाना है और चांद की दुनिया आ जाएगी जो 1000 साल पुरानी है। हम आ चुके हैं मंदिर पे, यहाँ पे मोर भी है बहुत सारे मोर है आपको दिखाता हूँ। भोलेनाथ का मंदिर है और इसी को कहते हैं चांद की दुनिया। हालांकि सचिन ये वाला घर बोल रहा था वो उसने बोला ऊपर कमरे बने हुए आप बंद रह के नहीं उसने बोला कमरे में बैठ के आप देख सकते हो शेर को। हम आ चुके चांद की दूनी पे आप देख सकते हो यार हर जगह भोलेनाथ जी का ही मंदिर है। ये भी भोलेनाथ जी का मंदिर आप देख लो भोलेनाथ का मंदिर है कोई भोलेनाथ का मंदिर है वो भी भोलेनाथ का मंदिर है। तो भी गुफा के अंदर चलते हैं और देखते हैं वो भैरव भगवान का मंदिर है चामुंडा माता चांद की दूनी यही है फ्रेंड्स चांद की दूनी। और देखो यार हल्का फुल्का डर तो सबको रहता है मेरे को भी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर देखते हैं क्या अंदर। ये है धुनी जो 1000 साल पुरानी है और ये पहाड़ है माता रानी का मंदिर है यहाँ पे भोलेनाथ जी। और देखो यार ये गुफा पता नहीं इसके अंदर तो मैं नहीं जाने वाला गुफा देखो ये थी 1000 साल पे पुरानी चांद की धुनी। तो यार देखो यार ये 1000 साल पुरानी बसी हुई है यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पानी है ये पानी का कटोरा भर रखा है जानवरों के लिए कि ताकि जानवर यहाँ पे पानी पी सके। और यार देखो यार यहाँ पे शेर वगैरह भी आते हैं ये बात ट्रू है। यार ये व्यू अंदर का है यहाँ से रास्ता बंद पड़ा है इधर भी बंद पड़ा है अब यार किसी को कोई जानता भी नहीं है ना भाई कि यहाँ पे कहीं गुफा है रास्ता भी नहीं जानते हैं सीरियसली बहुत अच्छी जगह है लेकिन शाम को आने लायक नहीं है क्योंकि शाम को यहाँ आएगा क्योंकि ऊपर कोई रहता ही नहीं फ्रेंड्स यार और ऊपर से अगर कोई जानवर सच में आ गया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया पॉसिबल है बचना इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पहाड़ है और रेत भी ऐसी है पिसलन भरी कि पिसलेगा इंसान। अभी रास्ते पे ही है और ये हाथ में लकड़ियाँ ले लिए कि अगर कोई जानवर आ जाता है तो संभाल लेंगे उसको। कौन है ये लोग
कहाँ से आते हैं? ठीक है लिखा हुआ है। चले जाओ यहाँ से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और यार प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगी, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। सीरियसली फ्रेंड्स बहुत रिस्क थी, आप देख सकते हो कितने पहाड़ है यार, घिसने का डर रहता है, रिस्क रहता है भाई, ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना वो एकदम शेर की तरह लग रहा है, लग रहा है मुंह खुला हुआ उसका, देखो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा क्योंकि यार बम्बुल है, बाकी यार लग शेर जैसा रहा। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी वो खड़ी, तो बस निकलते अभी यहाँ से। टाटा बोल दो, टाटा। Back from the dead.